मेरठ में नगर निगम का राजस्व इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हाउस टैक्स में लोगों से अवैध वसूली के भी लगते रहे आरोप। हल्द्वानी में एबीवीपी और निर्दलीय रश्मि लमंगड़िया के समर्थकों में मारपीट हो गई। रश्मि के समर्थकों ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान एक गाड़ी के शीशे तोड़े गए। कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों की पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। झांसी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी की। दबिश के दौरान 450 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 3200 लीटर लहर नष्ट किया गया। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर पर गैंगस्टर की कार्रवाई। शूटर ने की थी भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या। बस्ती में बीडीओ और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता ने बीडीओ पर 10% का कमीशन लेने का आरोप लगाया है। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आगरा में पुलिस ने एक साल में 13 माफियाओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। माफियाओं की 38 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। बरेली में भ्रष्टाचार के मामले में एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेने के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी पर गाज गिरी। एसएसपी ने 2 दरोगा, 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया। 9 सिपाहियों को किया गया लाइन हाजिर। जालौर में 12 साल बाद आया न्यायालय का फैसला। संपत्ति हड़पने की नीयत से युवक की हत्या के मामले में दंपति को आजीवन कारावास। उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज का पूरा मामला। चंदौली में डीजल टैंकर में आग लग गई। आग लगने से धू धू कर जलने लगा टैंकर। मौके पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़। अमरोहा में फर्नीचर से भरी हुई गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। बिजली के पोल की चिंगारी से फर्नीचर भरी हुई गाड़ी में भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमरोहा नगर कोतवाली के मछुट्टा चौकी का है मामला। कौशाम्बी में चाल तहसील में कर्मचारी की डिजायर गाड़ी में आग लग गई। चलती डिजायर कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिपरी थाना क्षेत्र के चलौली पेट्रोल पंप के पास का मामला। औरैया में कबाड़ की दुकान में भयंकर आग लग गई। लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। औरैया सदर कोतवाली के ब्लॉक गेट के पास का मामला। फतेहपुर में प्राइवेट बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। बस में सवार यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। दिल्ली से फतेहपुर आ रही थी प्राइवेट बस। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गैस गोदाम नहर पुल के पास की घटना। अलीगढ़ में कॉफी शॉप में रखी कॉफी मशीन फट गई। मशीन की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कोतवाली नगर के घास की मंडी चौराहा का मामला। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले का मामला। आयोग ने 3 पूर्व अधिकारियों पर जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। हरिद्वार में क्रिसमस डे और नव वर्ष पर करना पड़ेगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। कोविड-19 को लेकर एसओपी जारी की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील। रुड़की केएलडीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ऋतिक कुंड्रा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली है। 10 वोटों से जीते हैं ऋतिक कुंड्रा। एबीवीपी से साधना ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। नेपाल बॉर्डर पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री का दौरा। सीएम धामी से मिले इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारी। प्रशिक्षु अधिकारियों का दल स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों का अवलोकन करने पहुंचा। रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट। आवास विकास में बने हुए 4 साहिबजादे चौक का उद्घाटन किया। नगर निगम के द्वारा मनाया गया है चौक। खटीमा में सर्दी और खांसी के मरीजों का सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट शुरू हुआ है। कोरोना वैक्सीन मिलते ही एक बार फिर से गांव गांव में कैंप लगाकर लगाई जाएगी लोगों को बूस्टर डोज। देहरादून में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के विरोध का नया तरीका। बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा के बाहर अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। रामनगर में न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी पर्यटन जोन की बुकिंग फुल हो गई है। रात्रि विश्राम के साथ डे सफारी की बुकिंग जनवरी के पहले हफ्ते तक फुल है। पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल। काशीपुर में एसडीएम की गाड़ी को खनन माफियाओं ने टक्कर मार दी। घटना में बाल बाल बचे उप जिलाधिकारी। एसडीएम की गाड़ी चालक की ओर से काशीपुर कोतवाली में दी गई तहरीर। जोशीमठ में नीति घाटी में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। नीति घाटी के पागदी गांव में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। चोरी के साथ तस्कर वन्य जीवों का कर रहे शिकार। जोशीमठ में एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे टनल में बोरिंग मशीन फंस गई। मशीन फंसने पर निर्माण कार्य रुका है। लगातार कंपनी प्रबंधन मलबा निकालने में जुटा है।
पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से बूस्टर डोज भेजे जाने की मांग की है। जिले में अभी तक कोरोना से बचाव के लिए 22.6% लोगों को लगी है बूस्टर डोज। वैक्सीन मिलते ही छूटे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी बूस्टर डोज। रुद्रप्रयाग में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा के चमोली जिला प्रभारी कुंदन परिहार ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, कल होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने की चर्चा। शाजापुर में संपूर्ण थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं। जिला कृषि अधिकारी ने देरी से आने पर नाराजगी भी जाहिर की। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का नया प्लान। राम मंदिर की भव्यता बढ़ेगी तो सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। भवनों की ऊंचाई निर्धारित। चंदौली में भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। विधायक ने निरीक्षण के दौरान सीएमओ से कहा कि गरीब जनता को मुहैया कराई जाए बेहतर सुविधाएं। बुलंदशहर में भाजपा विधायक ने यहां पोकलिन मशीन चलाकर काली नदी की सफाई की है। काली नदी में कूड़ा इकट्ठा होने से नदी में हो जाती है ओवरफ्लो की समस्या, खेतों में भर जाता है काली नदी का पानी। शाजापुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया है कविता पाठ। राजनीति में जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद के खात्मे को लेकर पढ़ी कविता। बदायूं में जिला जज, डीएम और एसएसपी ने किया है जिला कारागार का औचक निरीक्षण। जिला कारागार में चलाया सघन तलाशी अभियान। बंदियों को मास्क लगाने के निर्देश दिए। गोरखपुर में भी प्रशासनिक अमले ने किया है जेल का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कैदियों से भोजन और अन्य दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल की गई। जेल में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश। मेरठ में सरधना सीएचसी पर तबादला होने के बाद भी जबी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन के खिलाफ सरधना के लोगों ने हल्ला बोल किया। वाराणसी में कोविड को लेकर अलर्ट जारी। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश। पूरे कोविड मैनेजमेंट पर रखी जा रही निगाह। अमेठी में कुश्ती प्रतियोगिता की डीएम राकेश मिश्र ने की है शुरुआत। प्रदेश में 12 से ज्यादा पहलवान कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जौनपुर में नाला बचाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। ग्रामीणों ने नाले को पाटकर रास्ता बनाने का आरोप लगाया है। बरसात के मौसम में गांव में डूबने का खतरा। सिक्किम हादसे में मुजफ्फरनगर का 28 वर्षीय लाल लोकेश कुमार भी शहीद हुआ है। परिवार को मिली सूचना के बाद परिवार में कोहराम मचा। सिक्किम में हुए हादसे में उन्नाव का जवान भी शहीद। नायक श्याम सिंह के शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एटा में सिक्किम हादसे में शहीद हुए एटा के लाल नायक भूपेंद्र सिंह। सूचना मिलते ही शहीद के गांव में पसरा मातम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मऊ में अवैध रूप से चल रहा प्राइवेट अस्पताल सील किया गया है। मानक के विपरीत और बिना विशेषज्ञों के इलाज करने के आरोप है। बाराबंकी में जैन मंदिर के अध्यक्ष समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिना अनुमति के मौन जुलूस निकाल रहे थे जैन समाज के सदस्य। मौन जुलूस में शामिल हुई थी पुरुषों के साथ महिलाएं भी। कानपुर वासियों को नए साल पर तोहफा। गंगा बैराज पर बोट क्लब का लुत्फ उठा पाएंगे लोग। 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। गोरखपुर में मौसम ने बदली करवट। बूंदाबांदी के साथ बढ़ी अब ठंड। ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। लोग घरों में ही रहने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में शीतलहर और ठंड के बचाव से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। राहगीर इस भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर लोगों का हल्ला बोल। हजारों की तादाद में लोगों ने निकाली विशाल जन आक्रोश रैली। कन्नौज में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सिंगर पवन सिंह ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। हरी हरी ओढ़नी गाने ने यूट्यूब पर पार किए हैं 100 मिलियन के आंकड़े। फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर चल रहे विवाद पर बोले सिंगर रैपर हनी सिंह। कहा लोग बहुत सेंसिटिव हो गए। सर्कस की स्पेशल स्क्रीनिंग में बी टाउन सितारे पहुंचे जहां रिलीज होने से पहले ही फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई। सिक्किम में हुए सड़क हादसे में यूपी के भी जवान शहीद हुए हैं। सीएम ने शहीद के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। लखनऊ के रहने वाले जवान चरण सिंह भी सेना के ट्रक में सवार थे। मौत की खबर सुनकर लखनऊ में शोक की लहर दौड़ गई। चरण सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। लखनऊ के चरण सिंह के साथ ही उन्नाव के श्याम सिंह यादव भी ट्रक में मौजूद थे। श्याम सिंह यादव मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलहरिहा गांव के रहने वाले थे। श्याम सिंह यादव के शहीद होने की सूचना से परिवार में कोहराम है। श्याम सिंह यादव 8 दिसंबर को ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे। उनके परिवार में 2 बहनें हैं और पिता खेती करते हैं। सिक्किम सड़क हादसे में मुजफ्फरनगर के लोकेश कुमार सहरावत भी शहीद हो गए। लोकेश की उम्र अभी 28 साल की थी। 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले ही लोकेश की शादी भी हुई थी। 2012 का भर्ती था आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती था। ये गाड़ी जो खाई में पलटी है उसमें सूचना मिली थी, हेडक्वार्टर से सूचना आई थी। सेना के मुताबिक शुक्रवार को जीमा के रास्ते में सेना का वाहन एक तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया।
जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई। यूपी के जवानों का पार्थिव शरीर सिक्किम से उनके पैतृक घर लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। मोदी सरकार ने नए साल से पहले लोगों को तोहफा दे दिया है। अब लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तकरीबन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अगले एक साल तक देने का फैसला किया है। इस योजना पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। कोई भूखा न रहे के संकल्प के साथ हर गरीब के लिए निःशुल्क राशन सुनिश्चित करने हेतु हार्दिक आह्वान प्रधानमंत्री जी। अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। गरीबों को मुफ्त अनाज के साथ साथ मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को भी रिवाइज कर दिया है। इस फैसले से अब 25 लाख लोगों को फायदा होगा। जाहिर है नए साल के पहले सरकार ने देश के बड़े तबके को तो बड़े तोहफे दे दिए हैं। कोर्ट में आरक्षण को लेकर लड़ाई है तो बाहर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन उससे पहले ही निकाय के रण में राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों और मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया। सरकार मैनपुरी की हार से उभर नहीं पा रही है, इसलिए निकाय चुनाव से भाग रही है। जो चुनाव से भाग रहे वही चुनाव नहीं चाहते। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि भाजपा का दावा है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव होंगे पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है, किसी को इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माननीय न्यायालय सभी पक्षों को सुन के जो भी उचित फैसला होगा उसके देगा। चुनाव कब होंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन उससे पहले सपा और भाजपा में जंग छिड़ गई है। तो वहीं निकाय चुनाव में बसपा भी दमखम से उतरने का दावा कर रही है। चुनाव पूरी मजबूती लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। यह ऐसा चुनाव है जिसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरा दम लगा दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव का सस्पेंस बरकरार है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें 27 दिसंबर पर टिकी हैं। 20 दिसंबर से हाईकोर्ट लगातार आरक्षण मामले में सुनवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी मामला आरक्षण पर ही फंसा हुआ है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा, कोर्ट याचिकाकर्ता के तर्क के पक्ष में रहा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पॉलिटिकल बैकवर्ड रिजर्वेशन और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन को अलग अलग माना है। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सर्वे के पॉलिटिकल बैकवर्ड कौन है, ये कैसे तय होगा। अब माना जा रहा है कि आरक्षण मामले में हाईकोर्ट 27 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। रोटेशन 2017 का गलत हुआ था और 2012 के रोटेशन के आधार पर 2022 में आरक्षण दिया जाए। और दूसरा बिंदु ये था कि ट्रिपल टिफ्ट चूंकि नहीं हुआ है, इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टिफ्ट की कार्रवाई की जाए। फैसला तो 27 को आएगा। बता दें कि 24 दिसंबर यानी आज से हाईकोर्ट में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट ने नगर निकाय ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की। दरअसल 17 नगर निगमों और 761 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल 7 जनवरी से 30 जनवरी तक समाप्त होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव में भी अपने फॉर्मूले से मायावती सबको हैरान कर सकती हैं। भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में लगी है, तो मायावती दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिमों की वापसी के लिए बसपा में कई प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभियान के तहत मुस्लिमों को बसपा से जोड़ा जा रहा है। इमरान मसूद समेत कई मुस्लिम चेहरे को पार्टी से जोड़ा, इरफान मलिक को भी बसपा में शामिल किया। पूर्व विधायक इरशाद खान भी बसपा में शामिल हो चुके हैं और लोगों को जोड़ने के लिए बसपा जिला और पंचायत स्तर पर अभियान चलाएगी। यही नहीं, पिछड़ों को साथ लाने के लिए बसपा ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है। यूपी में गडरिया पाल 3% हैं। नए अध्यक्ष भी अति पिछड़े वर्ग से ही हैं। बसपा थिंक टैंक का मानना है कि इससे पाल और अन्य अति पिछड़ा वर्ग वोटर में ज्यादा सीधमारी हो सकेगी। नवंबर 2020 में बसपा ने मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी, लेकिन अब निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। बसपा पश्चिम में मुसलमान और पूर्वी यूपी में अति पिछड़ों का समीकरण साधने में जुटी हुई है।
सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात तकरीबन डेढ़ घंटे तक चली। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और पीएम मोदी को मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। लंबी और विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। अगर बात की तो सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहा है उनमें यह रहा है कि इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने में होना है 2023 में, उसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने G20 समिट जिस तरीके से होना है और उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में इसका आयोजन होना है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया है। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी को सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में आने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने G20 की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन किया। यूपी के विकास कार्यों का अपडेट भी सीएम योगी ने दिया। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में केस दर्ज हो गया है। मामला विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने का है, जिसे लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इसी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर MP MLA कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नृपेंद्र पांडे ने विवादित टिप्पणी पर शिकायत की थी। रिपोर्ट दर्ज करने वाली अर्जी को MP MLA कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में विवादित टिप्पणी की थी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास है। जितने भी महापुरुष हैं, वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना। वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है, वह और निंदा करता हूं। इस मामले में अब कोर्ट शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के बयान को दर्ज करेगा, जिसके लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख तय की है। गवाही दर्ज करने के बाद ही कोर्ट राहुल गांधी को समन जारी करने के संबंध में फैसला करेगा। उत्तराखंड के धारचूला में तटबंध निर्माण को लेकर एक बार फिर से तब तनाव बढ़ गया जब नेपाल की ओर से एक बार फिर पत्थरबाजी हो गई। धारचूला में काली नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में एक बार फिर से नेपाल की ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी में डंपर का चालक घायल हो गया, साथ ही दो डंपर सहित एक JCP मशीन का शीशा भी चकनाचूर हो गया। दोबारा से पत्थरबाजी हुई है, लगभग दूसरी बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग एक घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा दो डंपर और एक कोपरेट का शीशा टूट चुका है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सहमति के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन अब भी नेपाल की ओर से लगातार पत्थरबाजी ने पड़ोसी देश की मंशा पर सवाल उठा दिया है। पत्थरबाजी की वजह से तटबंध का काम नहीं हो पा रहा, हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। नेपाल की इस हरकत से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। नेपाल के प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल के प्रशासन आखिर चुप क्यों है? इसका खामियाजाना दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल चिंता की बात ये है कि अगर घटधार के जीरो पॉइंट पर जल्द ही तटबंध का निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले बरसात में आधे से ज्यादा धारचूला काली नदी के आगोश में समा जाएगा। उधर उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक और बच्चों के माता पिता हाथ में तख्तियां लेकर बैठे थे तो दूसरी ओर बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। विरोध के इस अनोखे तरीके से प्रदर्शनकारियों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों की मौजूदगी की वजह से बर्खास्तगी के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया। जो भी एम्प्लॉइज थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट है वो ड्यू है। पिछले 6 दिन से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी बर्खास्तगी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन जो मैडम खंडवी जी हैं वो दिल्ली बिहार यूपी के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार देकर उत्तराखंड के नौजवान और बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप एक बार उत्तराखंड के जनमानस से ये पूछिए कि वो क्या इस लायक नहीं था कि वो आपके निजी स्टाफ में सम्मिलित हो सके? क्या उसके पास ये योग्यता थी कि वो आपके साथ सम्मिलित हो सकता था? मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे कराने का आदेश जारी। 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी।
हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने को कहा। इसमें चार प्रतिवादी हैं, इंटरनल रिजर्व कमेटी है, बोर्ड लखनऊ है, श्री कृष्ण जन्मस्थल सोसाइटी और ट्रस्ट, चारों लोग हैं। चारों लोगों के नोटिस तामील के ऑर्डर है, वो सब हमने तामील कर दी गई है, सब नोटिस जारी किए हैं। पहला पुराने समझौते की डिग्री को जीरो किया जाए, 13.37 भूमि में अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोका जाए और यथास्थिति रखकर विवादित स्थल का सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराया जाए। इस मांग पर मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे कराकर 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। भारतीयता की जीत है, वही विदेशी आक्रांताओं जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ा उनका कहीं न कहीं उनका बेनकाब हो रहा है, कहीं न कहीं उनका पराजय है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकता। बस्ती भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अफसरों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। चौपाल के दौरान बीडीओ कुद्रहा पर 10% कमीशन लेने का आरोप लगाया। इस दौरान भरे मंच पर जनता के सामने बीडीओ और भाजपा नेता में नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता ने बीडीओ सेक्रेटरी जेई पर मनरेगा कामों में कमीशन लेने को मुद्दा बना दिया। आप ये धमकी देंगे मैडम, आप प्रधान नहीं, आप जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल में नियम में भी है कि अगर हम नहीं हम आश्वस्त हैं और असहम हैं तो मेरा काम मैं लिख के ये देख सकते हैं। भाजपा नेता ब्रह्मदेव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। वहीं बीडीओ ने अपनी सफाई में जांच कराने की मांग की। बीडीओ ने साफ साफ कहा कि अगर किसी ने कमीशन लिया तो शिकायत करिए। वीडियो पर 10% जेई और सेक्रेटरी पर 5-5% कमीशन लेने का आरोप है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नया और बड़ा प्लान तैयार किया गया है। नए प्लान के तहत सुरक्षा के लिए 2 सर्किल चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत अब श्री राम जन्मभूमि परिसर से सटे क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 1 और उसके बाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 2 के रूप में पहचान दी गई है। अब इन क्षेत्रों के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं जिसे लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। मंदिर के क्षेत्र में मकान होंगे वह एक ही रंग में रंगे जाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के घरों को राम मंदिर के रंग में ही रंगने की प्लानिंग है। बिल्डिंगों की अधिकतम हाइट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 15.5 मीटर और 7.5 मीटर में, ताकि जो उसमें सबसे डोमिनेंट स्ट्रक्चर हो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर इस फैसले की सराहना संत भी कर रहे हैं। अभी हम लोग की कुछ दिन पहले जानकारी हुई है, बहुत लोगों के साथ लाइसेंस भी परिवर्तन हुआ है पहले करी में, दूसरे करी में ये तय हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है। इस परकोटे के भीतर परिक्रमा पथ होगा और दूसरे मंदिर भी होंगे, तो दूसरी तरफ 2 प्रतिबंधित क्षेत्र बनाकर पूरे परिसर को सुरक्षित कर दिया जाएगा। नए साल के मौके पर जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की। प्रयागराज में सर्किट हाउस के सभागार में ये मंथन हुआ जिसमें मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी और ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। माघ मेला 2023 की तैयारियों की डिप्टी सीएम ने समीक्षा की। माघ मेले से जुड़े दूसरे विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने बैठक में प्रेजेंटेशन दी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। बढ़ता कोरोना माघ मेले में खलल डाल सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोरोना के बावजूद मेले का आयोजन किया जाएगा। माघ मेले में जो व्यवस्थाएं करना होगा कोरोना संक्रमण के संभावित संकट को दृष्टिगत रखते हुए वह तो व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले की मान्यता है कि माघ के महीने में न सिर्फ लोग कल्पवास करते हैं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता भी वहीं पर रहते हैं और कल्पवास करने वाले साधकों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कविता के जरिए अपराध से लेकर परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया है। अपराध के खिलाफ यूपी की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बहुत हद तक यूपी में अपराध पर लगाम लगा चुकी है। अपनी कविता के जरिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुछ यही जज्बात जाहिर किए। हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे
यूपी विशाल के इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों सवाल। अपराध के अलावा सुरेश खन्ना ने कविता के जरिए क्षेत्रवाद, वंशवाद, परिवारवाद को लेकर भी नए हिंदुस्तान का संकल्प जाहिर किया। क्षेत्रवाद जातिवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को, आतंकवाद क्षेत्रवाद जातिवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को। दरअसल भ्रष्टाचार और परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ भाजपा का स्टैंड बिल्कुल साफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।